हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो दोस्तों कल मैंने एक पोल रखा था, तो पूछा था आपसे कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो, और जो मेरे व्यूअर्स हैं देखना चाहते हैं सेक्सुअल थॉट्स अपने पर्सन के, कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, गंदी गंदी बातें। तो चले स्टार्ट करते हैं, आपने रीडिंग को एंड तक देखना है, रीडिंग जर्नल है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है और ओपन माइंडेड होकर इसको देखना है, कनेक्ट करना है। ओके, आपने लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। और क्या करना है जी, आपने फ़ोटो निकाल लीजिए अपने पर्सन की, निकालिए पिक्चर और देखिए उनकी ओर, फोकस कीजिए, थर्ड आई पे फोकस कीजिए अपनी, देन फिर अपने पर्सन की पिक्चर को आपने देखना है और सोचना है उनके बारे में, स्माइल करते हुए पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आपने सोचना है, राइट? तो मैं स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं आपके पर्सन के सेक्सुअल थॉट आपको लेकर क्या है। तो ये रीडिंग है आपकी फरमाइश पे, तो इसको तो पूरा करना बनता है, लेकिन गाइस आपने पॉजिटिव होकर देखना है, ठीक है? यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है और रीडिंग को आपने क्लेम करना है, और हो सके तो इसको आपने शेयर करना है। चलें देख लेते हैं। तो यूनिवर्स दीजिए कार्ड्स और बताइए मेरे व्यूवर्स, जो इस समय जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, मन ही मन में उनका नाम दोहरा रहे हैं, तो क्या सेक्सुअल थॉट्स हैं उनके पर्सन के, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, जो वो हमें बताते नहीं हैं, तो गाइड कर दीजिए मुझे। तो मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ, तो आपने आई होप प्रेयर कर ली होगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये मुझे ना बहुत ही बुरा लगता है कि आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन क्या है, आपको ध्यान देना है, सोचना है। हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, एंड कास्ट कास्ट हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, या कोई लव पार्टनर। और देख लेते हैं, यस, थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री नंबर गाइस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हो सकता है आपको 3 साल हो गए हैं एक दूसरे से अलग हुए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप इसकी प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, चाहे तो आप इसको नॉर्मल सुनते हुए इंजॉय कर सकते हो। ओके, तो मैं बात कर रही थी, थ्री नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या आपका बर्थडे हो सकता है, या आपको 3 साल हो गए हैं एक दूसरे से अलग हुए, एक दूसरे को टच किए। तो आपके पर्सन इस समय आपके आपके बारे में किसी से बात करते नज़र आ रहे हैं। मे बी आप दोनों एक ही वर्क प्लेस पे काम करते थे, यहाँ पे मेरे को ऐसा भी लग रहा है आप चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हो। आपके पर्सन किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं। आने वाले समय में कुछ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आपका बर्थडे हो और आपके पर्सन आपको अचानक से आ थमके और आपको टाइट हग दे। स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी होती होगी, तो एकदम से उठकर बैठ जाते होंगे और देखते होंगे, अरे काश वो मेरे पास होती तो मैं उसको चिमट जाता और किस करता, हग करता। स्लीपलेस नाइट्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, फूल की एनर्जी आई है। यस, आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके जी, सेक्सुअल डेक भी चेक करेंगे हम लोग। मेरे को किसी ने स्पेशल बोला था, दीदी सेक्सुअल डेक जरूर चेक करना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा जी, ठीक है जी। ओके, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इस रिलेशन में आपके पर्सन ने काफ़ी इन एंड आउट किया है, कभी आते थे कभी जाते थे, अपनी मर्जी चलाते दिखाई दे रहे हैं। जब उनका मन होता था तब वो आपके पास आते थे और फिर चले जाते थे। जब उनका मन करता होगा, जब वो चाहते होंगे आपसे मिलना, तो अचानक से आ जाते होंगे। जब हो गया जी 15 दिन हो गए, 1 मंथ हो गया, तो जनाब चले जाते होंगे। आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमेच्योर बिहेवियर दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। आपके साथ बहुत कुछ ट्राई करना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स आया है, या ऑलरेडी आप दोनों बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो, और जब भी आप दोनों मिले हो तो आपने कुछ नया ही ट्राई करा है। इसलिए आपके पर्सन उन चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं कि मैंने उसके साथ ऐसा किया था, मैंने उसके साथ ऐसा किया था। गाइस थी था पर आपने ध्यान नहीं देना है। ओके, सिर्फ रीडिंग को इंजॉय करना है, और आपका पार्टनर मेल है फीमेल है इस चीज़ को आपने देखना है, राइट?
आएंगे जी आपके पर्सन आपके पास ट्रांसफॉर्म होकर, ये आपको ये दिखा रहे हैं, अरे मुझे कुछ नहीं पड़ा है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो तुम्हारी तरफ़ देखता भी नहीं हूँ। तो जनाब ये क्या है, अभी हम आपका और निकालेंगे हिसाब किताब। यस, नाइन ऑफ कप्स, काफ़ी चीज़ें आपने जो ट्राई करी हैं उससे आपके पर्सन काफ़ी खुश होते हैं एंड सेटिस्फेक्शन एक फील करते हैं, जिसको लेकर वो बार बार सोचते हैं कि यस मैं उसके साथ ही, वो मेरी हर नीड को जानती है या जानता है, मैं जैसा चाहता हूँ जो मेरी विश होती है वो आप उनकी पूरी करते हुए नज़र आ रहे हो, जिसके कारण आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर। जल्दी से देख लेते हैं नहीं तो रीडिंग लंबी हो जाएगी। ये आपकी एनर्जी निकल के आई है, आपके पर्सन आपके साथ किए हुए हर एक स्टेप को बहुत मिस कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, हो सकता है कि आप दोनों, आपके पर्सन का ओवरसीज़ में रहते हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में ऐसी मतलब इतना डिस्टेंस है कि आपको 3 से 4 या इतने 6 घंटे लगते होंगे एक दूसरे को अप्रोच करने के लिए। यस डेफिनेटली आप किसी एक दूसरा सिनेरियो ये भी है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। काफ़ी अट्रैक्शन में यहाँ पे देख पा रही हूँ। चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो आप लोग, जो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, माता जी आ गई हैं तो प्रणाम कीजिएगा। आपके बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है वो उनके मदर लग रहे हैं और आपके पर्सन दो दो लड्डू चाहते हैं। या तो आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो, ओके, तो हो सकता है कि वो अपना उनका कोई लव पार्टनर है और ये आपकी एनर्जी है, तो हो सकता है आपके पर्सन दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं दोनों तरफ से मज़े लूटूँ। ओहो आज तो कमाल ही हो गई, डेविल की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। तो डेविल क्या बताता है ये, वाओ आपको अपनी फैमिली में लेके आना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं नहीं तो वीडियो हो जाएगी लंबी। तो फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि उनके सेक्सुअल थॉट्स आपको लेकर क्या हैं और मैं कार्ड्स भी सेट कर देती हूँ। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, तो थोड़े से साथ ही हम सेक्सुअल डेक से कार्ड्स ले लेते हैं। उससे ये होगा कि जब मैं फिर रीडिंग करती जाऊंगी तो हमें इजी हो जाएगा उनकी फीलिंग्स को। बाकी तो मुझे समझ आ ही गया है। यहाँ पे आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, उनको मिस करते हुए। हो सकता है कि आपको काफ़ी लंबा समय हो गया है एक दूसरे को टच किए हुए। तो एक बार हम यहाँ से भी कार्ड्स निकाल लेते हैं देन फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लीजिए अपने पर्सन का नाम लेते जाइए और देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स आते हैं, ठीक है। वाह ओके, मैं लगा लेते हैं पहले कार्ड्स, चाहे तो आप यहाँ से अपनी वीडियो को थोड़ा सा टैप टैप करके आगे बढ़ा सकते हो। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, दिखाई दे रहा है आपको। यस ओके, ओ लाला, बहुत बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। एम्प्रेस कार्ड आया है, बहुत एडमायर करते हैं आपकी ब्यूटी को, बहुत मिस करते हैं वो आपको। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ भी आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ भी आया है। तो यहाँ पे मेरे को मदर इशू भी दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। पिक्चर्स हैं उनके पास आपकी एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है, बॉटम ऑफ द डेक आया है, 7 ऑफ कप्स आया है, सन कार्ड आया है एंड 3 ऑफ वैंड्स आया है, 3 नंबर यहाँ भी आया है, ठीक है जी। तो 7 ऑफ कप्स हमारी रीडिंग में भी आया था। तो यहाँ पे डेविल कार्ड आया है, तो आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके बिना रह नहीं पाते हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको आपको लेकर काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा नाइट टाइम वो आपके बारे में सोचते हैं। डेविल कार्ड आया है, तो आपके पर्सन 9 यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनको ड्रिंक करने की और स्मोक करने की आदत हो सकती है, जिसके कारण जब वो अल्कोहल लेते हैं तो आपके बारे में काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, बार बार आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं, आपको याद करते हुए तड़पते नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि उस समय काश आप उनके पास होते तो वो आपको अपने गले लगाते, आपके साथ सोते, वो एक खालीपन सा आपके बिना फील करते हैं। आपको लेकर जो उनके सेक्सुअल थॉट्स हैं वो काफ़ी मैं यहाँ पे हाई देख पा रही हूँ।
एक्सट्रीम लेवल पर आपके पर्सन आपको सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक कि जब वो कोई अल्कोहल लेते हैं या ड्रिंक करते हैं तो वो आपको आपकी एनर्जी को फील करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं। फिर उनका मन करता है कि बस दिन रात आप उनके पास रहो, वो आपकी बॉडी को फील करना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी डिमांडिंग हो सकते हैं, जब आप कॉन्टैक्ट में होंगे तो काफ़ी कुछ डिमांड करते हुए आपसे डिमांड करते होंगे, जैसे मुझे किस करना है। आप चाहे पब्लिक प्लेस में हो या कहीं और हो, तो आपके पर्सन बार बार आपको हग करना, आपको टच करना चाहते होंगे, जिसके कारण आप उनको मतलब आपको हंसी भी आती होगी कि अरे ये क्या दीवाना है या दीवानी है या पागल है, ये क्यों मेरे बिना, मुझे छुए बिना नहीं रह सकता है। तो आपके पर्सन जब आप चाहे पब्लिक प्लेस में होते होंगे या कहीं भी होते होंगे तो आपको छुए बिना रह नहीं पाते होंगे। यहाँ पे मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आप भी उनके खूब मजे लेते नजर आ रहे हो मेरे को, क्योंकि आप क्या बोलते हो कि नहीं अच्छा लगता है, अच्छी कितना गंदा लग रहा है, हम पब्लिक प्लेस में हैं, क्या कर रहे हो, पागल हो तुम, लेकिन मन ही मन में आप मंद मंद मुस्कुराते होंगे। तो यही चीज़ें उनको इफ़ेक्ट करती होंगी और उनका मुंह लटक सा जाता होगा, लेकिन बाद में जब वो आपके चेहरे पे हंसी देखते होंगे तो वो आपको खींच कर अपने गले लगा लेते होंगे और बार बार आपको बोलते होंगे बोलो ऐसा फिर से करोगी, और बार बार आपको बाइट करते होंगे, मतलब कि हल्की बाइट करते होंगे, आपके आपकी नेक पे बाइट करना उनको बहुत अच्छा लगता होगा। आपके पर्सन आपको सोचते सोचते कई बार इतना ख्यालों में डूब जाते हैं कि अचानक से उनके चेहरे पे हंसी आ जाती है और आपके साथ बिताया हुआ हर एक क्वालिटी टाइम को जब वो सोचते हैं और देखते हैं कि आप अभी उनके पास नहीं हो, तो वो एकदम से मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर वो एक एंजाइटी और डिप्रेशन को फेस करते हैं और चाहते हैं कि काश वो मेरे पास होती, काश वो मेरे पास होता। आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल, हर एक क्वालिटी पल वो बहुत मिस करते नज़र आते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप स्लीवलेस कोई ड्रेस डालते हो, उनका आपका स्लीवलेस ड्रेस डालना बहुत अच्छा लगता है। आपको अपने आप को कैरी करके रखना उनको बहुत अट्रैक्शन देता है, वो एक तरह से अट्रैक्टेड होते हैं आपको देखते हुए। मे बी मेरे को यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने, जब आप दोनों मिले होंगे तो उससे पहले आप दोनों ने किसी के साथ भी सेक्स नहीं किया होगा, और जब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटीमेसी करी होगी तो उस पल को आपने खूब इंजॉय किया होगा। आपके पर्सन ने धीरे धीरे आपके क्लोथ्स को रिमूव किया होगा और आपकी ब्रेस्ट को सक किया होगा, ब्रेस्ट मिल्क लिया होगा और आपकी आपके प्राइवेट पार्ट को लिक किया होगा, और उसका टेस्ट आपके पर्सन आज भी अपनी ज़ुबान पे उस चीज़ को फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अट्रैक्शन में यहाँ पे देख पा रही हूँ। उनका तो मन करता है कि जब मैं सुबह आंखें खोलूँ तो आप उनके पास लेटे हों और रात को जब मैं कमरे में आऊँ तो आप उनके पास हों। वो चाहते हैं कि आप दोनों नेक्ड हों और एक ही चादर के अंदर दोनों सोएं, एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डालकर एक दूसरे की सांसों को फील करते हुए आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके पास रहो। सेवन ऑफ कप्स आया है, तो जब से आप उनसे दूर गए हो तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी और के साथ सेक्स करना या इंटीमेसी ट्राई नहीं की है, उन्होंने ट्राई करा है। उनकी लाइफ में काफ़ी ऐसे ऑप्शंस आए हैं जिनको उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकामयाब रहे हैं, क्योंकि उनका तन और मन दोनों ही आपको बुलाते हैं। वो आपकी आपकी उनको बहुत ज़्यादा नीड फील होती है, जो यहाँ पर मैं उनकी एनर्जी कैच कर पा रही हूँ। फिजिकली आपके साथ डर्टी टॉक करना उनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। मे भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ नेक्ड पिक्चर भी शेयर करी हैं जिनको वो बार बार देखते हैं और आपको आपके बारे में सोचते हैं और एक खालीपन सा फील करते हैं कि काश वो मेरे पास होती। यहाँ मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप दोनों ने वीडियो कॉल करी है, क्योंकि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन लग रहा है, और अगर आप दोनों के बीच में इंटीमेसी हुई है ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट तो वो भी इस तरह से हुई होगी कि आप बहुत जल्दी एक दूसरे से मिले होंगे और एक दूसरे को जल्दी से किस किया होगा और एक दूसरे को टच करने का, और उस छोटे से पल को, उस छोटे से टाइम को आपने पूरा मतलब कि यूज़ किया होगा कि कैसे फटाफट हमने एक दूसरे को फील करना है। यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, जिसके कारण ज़्यादातर आपकी बात
वीडियो कॉल के थ्रू होती होगी और आपके पर्सन आपको बोलते होंगे कि मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें नेक्ड देखूं। वो अपने क्लोथ्स भी रिमूव करते होंगे और आपको भी अपने क्लोथ्स को रिमूव करने को कहते होंगे। मेरे को ऐसा भी लगता है कि उनका बहुत अच्छा लगता है जब आप उनकी हर बात को मानते हो और उनको जो वो चाहते हैं उनको वही चीज़ उनके आगे मतलब उनकी हर एक चीज़ में आपका यस बोलना उनको खुशी देता है। ऐसा भी मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा पोज ट्राई करा है जिसको चेयर पोज बोलते हैं, मे बी वो पोज भी आप दोनों ने ट्राई करा है। आपकी पर्सन को आपका हर एक एक्शन जो वो चाहते हैं उनके साथ कोऑपरेट करना बहुत उनको खुशी देता है। वो जब ये सोचते हैं कि आपका वो छोटे छोटे जेस्चर कि मुझे आज तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होना है, ये बात भी उनको बहुत पसंद आती है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी हर एक खुशी को समझते हैं और आप भी उनकी हर एक बात को समझते हो। आपके साथ डर्टी टॉक भी इनको बहुत अच्छी लगती है। ड्यूरिंग सेक्स आप दोनों एक दूसरे के साथ डर्टी टॉक भी करते थे और बार बार आपके पर्सन आपके प्राइवेट पार्ट को छूते हुए कोई ना कोई कमेंट पास करते थे कि वाओ तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितने मतलब तुम्हारा हर बॉडी पार्ट कितना सुंदर है कि मज़ा ही आ जाता है इसको छूने में। ऐसी बातें आपके साथ करना उनको बहुत अच्छा लगता था। आपके साथ पिलो फाइट करना और ड्यूरिंग सेक्स आपके साथ छोटी मोटी लड़ाई करना और फिर उसके बाद लव मेकिंग करना आपके पर्सन को पागल बनाता था। इन्हीं बातों के कारण आपके पर्सन आपको बहुत सेक्सुअली आपके बारे में सोचते हैं और आज भी चाहते हैं कि आप उनके पास होते, उनके साथ लेटे होते। मतलब कि आपके साथ किया हुआ हर एक सेक्स पोज उनको बहुत याद आता है। मे बी आपने बहुत कुछ ट्राई करा है एक दूसरे के साथ। अगर आप मैरिड हो तो हर सैटरडे नाइट आपने इन चीज़ों को ट्राई करा है। मे बी वो आपको कुछ मूवी भी लगा के देते होंगे और कहते होंगे कि आज हम ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे। मतलब आपने कभी भी उनको ये नहीं बोला है कि नहीं छी कितना गंदा है। मतलब आपका रिएक्शन ऐसा था कि ओके तो ऐसा चाहते हो तो हम ऐसा आज करके ट्राई करते हैं। आपकी खुशी मतलब कि उनको आप उनको खुश रखना चाहते हो इसलिए आप हर एक पोज उनके साथ करते हो। आपको टच करना मतलब उनको पागल बनाता जाता है। वो चाहते हैं कि सुबह शाम जब मैं उठूँ तो वो मेरे पास हो, रात को जब मैं आऊँ वो मेरे पास हो, हम दोनों नेक सोए, मैं उसको बार बार उसकी ब्रेस्ट को प्रेस करूँ और उसको सक करूँ और ब्रेस्ट मिल्क लूँ। ये चीज़ को वो बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। डेविल कार्ड की एनर्जी यही बता रही है कि वो आपको लेकर काफ़ी पैशनेट फील करते हैं। अल्कोहल भी वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और जब वो अल्कोहल लेते हैं तो हर तरफ उनको एक तो उसका नशा होता है और दूसरा आपका नशा चारों ओर उनके सर पे चढ़कर बोलता है और वो बार बार उनका मन आपकी तरफ आने को करता है, क्रेव करता है। बहुत सी बातें आपकी ऐसी हैं जिनको वो बार बार मिस करते हैं और उनकी आंखों में कई बार आंसू भी आ जाते हैं। वो आपके साथ ऐसी पिक्चर्स लेना चाहते हैं कि जैसे वो आपके ब्रश पार्ट को सक कर रहे हैं और लिक कर रहे हैं आपके प्राइवेट पार्ट्स को और वो आपके साथ बहुत शानदार एक इंटीमेसी फैंटेसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तो थी आपके पर्सन की थॉट्स जो आपको लेकर वो दिन रात सोचते हैं। ज़्यादातर मोस्टली मेरे को यहाँ पे नाइट टाइम नज़र आ रहा है। वो आपके साथ फैमिली चाहते हैं, वो आप चाहते हैं कि आप दोनों घंटों नाइट एक दूसरे की बाहों में बैठे रहो, कहीं कहीं आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन येस आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं। अगर वो मैरिड हैं तो वो अपने पार्टनर के साथ भी खुश नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर भी थ्री ऑफ तीन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। द लवर्स आया है तो यस आपके पर्सन लवर्स कार्ड आया है, सॉरी मैंने अभी ध्यान दिया। ओके तो यहाँ पे भी तीन लोग दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है उनका कोई लव पार्टनर है। और यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे हाँ जी ये है किंग ऑफ कप्स आया है। आपके पार्टनर दोनों के साथ ही मतलब रहना चाहते हैं, वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और ना ही अपने पार्टनर को छोड़ना चाहते हैं। वो आपके आपको भी वो सारी खुशियां देना चाहते हैं वो जो अपने पार्टनर को देते हैं, लेकिन वो अपने पार्टनर के साथ वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं करते हैं वो जो आपके साथ फील करते हैं।
मे बी आप दोनों ने इंटीमेसी के बाद कुछ ऐसी पिक्चर्स भी ली हैं जो आपके पर्सन के पास आज भी हैं और जिनको वो देखते हैं और देखते हुए आपको बहुत मिस करते हैं, क्रेव करते हैं। वो बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं। एट ऑफ वैंड्स नीचे स्प्रेडिंग में भी आया है और इसमें भी आया है, तो आपके पर्सन आपको बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही वो मिलेंगे, वो आपको बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं। वो धीरे धीरे आपके पूरे क्लोथ्स को रिमूव करेंगे और एक तो इंटीमेसी या एक पोज तो आपके साथ कर कर ही मानेंगे, चाहे आप मानो या नहीं मानो। तो ये तो थी आपके पर्सन के सेक्सुअल थॉट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है, क्लेम करना है, इस एनर्जी को क्लेम करना है और कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारे प्यार के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।